भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार मानिक भट्टाचार्य को हाईकोर्ट से मिली जमानत। जी हां, भर्ती भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार मानिक भट्टाचार्य को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। भ्रष्टाचार मामले में साल 2022 में ईडी ने मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। इससे पहले मानिक भट्टाचार्य ने अपनी जमानत याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने मानिक को जमानत नहीं दी थी। मानिक को जमानत मामले में त्रुटि सुधार कर हाईकोर्ट में आवेदन करने के लिए कहा गया था। तृणमूल विधायक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। बता दें, भर्ती भ्रष्टाचार मामले में मानिक के साथ उनकी पत्नी और बेटे को भी हिरासत में लिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी शत्रुपा भट्टाचार्य को जमानत दे दी थी। मानिक के बेटे शौविक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन मानिक को जमानत नहीं मिल पाई थी।